अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हद्दीतील मंगरूळ चव्हाळा पोलीस स्टेशन मध्ये एका महिलेचे शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नावाखाली 75 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली होती। महिलेच्या तक्रारीवरून अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक तपास करीत या टोळीतील 9 आरोपींना मुंबईमधून अटक करत आरोपींच्या ताब्यातून 2,30,000 रुपये रोख, मोबाईल फोन, डेबिट कार्ड, चेकबुक जप्त करण्यात आले। ही टोळी राष्ट्रीय पातळीवर ऍक्टिव्ह असून या टोळीतील आणखी सदस्य असण्याची शक्यता आहे। त्या दृष्टीने पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। रिगार्डिंग हमारे मंगरूळ चव्हाळा पोलीस स्टेशन के अंडर में जो फसवणूक का गुना दाखिल था, जिसमें एक महिला फिरियादी उनका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे लगभग 75 लाख का फसवणूक करके अमाउंट उनसे निकाला गया था। तो हमने अपनी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हुए फिरियादी के अकाउंट में से पैसे कहां कहां पे भेजा गया है इसको ट्रेस आउट करते हुए पूरा हमने 9 लोगों को अटक किया है जो मुंबई से उनको लेकर आए हैं। साथ में उनके साथ में 2,30,000 के आसपास का कैश रिकवर किया है और साथ में बाकी साहित्य जैसे मोबाइल फ़ोन, डेबिट कार्ड्स एंड बाकी के इतर चीज़ें। हमारा ऐसा अनुमान है कि ये जो गैंग है वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एक्टिव है, एक साथ में ये लोग काम करते हैं। तो बाकी आरोपियों को निष्पन्न करना भी हमारा काम जो है चालू है।